दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक वेट क्लब। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें और नए नए वीडियो आप देखते रहें। दोस्तों भैंसों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, टीट में टीट कैनाल ब्लॉक हो जाती है, थीलाइटिस की कंडीशन बन जाती है, ये प्रायः पाई जाती है। तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल चर्चा करेंगे। ये एक केस है, भैंस को 5 दिन पहले बच्चा दिया था भैंस ने और इसकी एक टीट से दूध नहीं निकल रहा है। दूध तो बन रहा है जैसा कि महसूस हो रहा है, लेकिन टीट में स्वेलिंग भी आ गई है और बाकी 3 थनों से देखिए ये दूध निकल रहा है और जिसमें इफेक्टेड है उसमें से कुछ नहीं दूध आ रहा है। तो इस तरह से जिसे टीट स्पाइडर या ऑब्स्ट्रक्शन इन टीथ, स्टेनोसिस के गांठ, छिमियों में गांठ हो जाना, थीलाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन टीट्स कहते हैं जिसे, प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम इसको एक बार थॉरली चेक कर लेते हैं कि कहां से कैसे समस्या है। जैसा कि इस केस में मैस्टाइटिस की कंडीशन नहीं है, केवल थीलाइटिस की कंडीशन हुई है, टीट में इन्फ्लेमेशन है। और सबसे पहले हम इसे टीट साइफान डाल के चेक कर लेंगे कि क्या स्थिति बनती है, क्या हमारे टीट साइफान डालने से ही सही हो जाता है। तो उसके बाद अगर नहीं होता तो आगे देखेंगे। तो टीट के टिप पे अक्सर ये समस्याएं होती हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है। जैसा कि ये देखिए टीट साइफान डालने के बाद दूध आना शुरू हो गया है। तो इस तरह की समस्याओं में ऊपर जब कभी टीट में प्रॉब्लम आती है तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन टिप पे समस्या होती है तो आसानी से सर्जरी करके खोला जाता है और प्रॉपर दूध देने लगता है पशु, कोई समस्या नहीं आती। और आज हम यही देख रहे हैं। देखिए एक बार हमने टीट साइफान डाला, उसके बाद फिर देखिए दूध नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के एक बार टीट साइफान डालने के बाद दूध आने लगता है, लेकिन समस्या होती है वो उल्टे तरफ उसके फाइब्रोसिस जो हुआ रहता है, मांस के टुकड़े वो आके रोक लेते हैं। तो हम इसमें या तो बहुत से लोग बीपी ब्लेड 6 नंबर की उससे कर देते हैं सर्जरी, और सबसे अच्छा होता है कि टीट कटर से हम उसको करें, क्योंकि टीट कटर प्रॉपर इसी तरह के केस को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। तो हमने टीट कटर डाल के पहले टीट के अंदर से कट कर दिया है और ये देखिए अब सर्जरी के बाद एकदम दूध निकल गया है और बढ़िया से हाथ से दूध निकल रहा है। तो इस तरह के केस हैंडल कर लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद हम क्योंकि थोड़ा सा घाव भी हो गया है तो एक सीपीएम 10 ml, मेलोनेक्स 20 ml और एक एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन क्लॉक्सासिलिन 3 ग्राम और एक बी कॉम्प्लेक्स 10 ml लगा दिया जाएगा। साथ में यहाँ थीलाइटिस है, थोड़ा सूजन है, तो हम टीटासूल भी इसमें चलवा सकते हैं, थोड़ा सा स्वेलिंग है। बिस्प्रेक क्रीम हम लगाएंगे, आप कोई अदर क्रीम हीलेंट वगैरह भी लगा